तो फ्रेंड्स, मैं अभी स्मिता के घर में हूँ और ये है उसका ब्रह्मा कमल वाला पेड़। उसमें देखिए कितना सारा कली आया है। ये वाला फूल फूटेगा ना, जब खिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। देखिए 1, 2 और भी है नीचे, 3, 4 उधर, 5 इधर भी है, इधर भी है। बाप रे, 8, 9 तो है। देखिए इतने छोटे से पेड़ में कितना सारा ब्रह्म कमल। जब आएगा ना इसका तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इतनी रात में मैं आज स्वागत कर रही हूँ। मैं थोड़ा बाहर आई हूँ, देख के पहचान लीजिए कहाँ पे आई हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे खड़ी है स्मिता। एक मिनट ना, अंधेरा देख रहा है। ये रही स्मिता। हेलो, उसके घर में मैं आई हूँ। बहुत डॉगी साउंड आ रहा है, इग्नोर कीजिए। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मैं कल दिखाई थी ना आपको, कल मतलब यहाँ पे बालकोनी में ब्रह्म कमल का फूल का जो मतलब उसका कली सब हुआ था, तो 7 ठो कली था टोटल, तो आज 5 ठो खिल रहा है ना। और मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि जब भी ब्रह्म कमल खिलता है तो एक दिन के लिए खिलता है ना, एक ही रात के लिए खिलता है। हाँ, तो तुरंत खिलता है। और कितना घंटा रहता है, 1 घंटा? नहीं, 4 घंटा के लिए रहता है, फिर 3 बजे से, सुबह के 3 बजे से फिर मुरझाना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो जैसे इवनिंग होता है उसके बाद धीरे धीरे खिलना स्टार्ट होता है, रात के 9-10 बजे तक खिल जाता है और 10 बजे से करीब रहता है, और जब सुबह होने लगता है मॉर्निंग उस टाइम पे फिर वो धीरे 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 करके बंद हो जाता है। तो ये है वो फूल का करिश्मा, और रात में ही खिलता है, इसीलिए मैं आई थी पूजा करने के लिए, है ना। तो अभी मिस्टर पुरोहित, क्योंकि मैं कभी पूजा नहीं की थी पहले से, वो उसके घर में ये 5th या 6th टाइम ना, 6 बार, 5-6 बार, हाँ 6 बार, 6th नंबर बार रही है, 5 बार हो चुका है। दीदी के ब्लॉग में भी एक बार छोड़े थे, मेरे ब्लॉग में नहीं छोड़ी थी, ये फर्स्ट टाइम है और ये लाइव है, मतलब मैं खुद आके मतलब देख के पूजा करेंगे। अभी हमारे घर में भी है पर वो अभी तक नहीं खिला, छोटा है, हाँ छोटा है, बेबी है वो, उसका बहुत बड़ा हो चुका है। तो चलिए इसका पूजा करते हैं, मिस्टर पुरोहित अभी पूजा करेंगे, है ना, हम देखेंगे। चलिए मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको फूल कितना खिल चुका है, है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये करीब 8:15 हुआ है, उस टाइम पे फ्लावर इतना खिला है। लास्ट पहले आप देख चुके हो कि कल वो कितना खिला था, अभी 8:15 में इतना खिला है। और इसके बाद मैं जो दिखाऊंगी करीब आधे घंटे बाद का वीडियो है, तो उसमें देखिएगा फूल कितना खिला होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं अभी। देखिए ये वाला जो है, ये जो पत्ता है ना उसका, देखिए बीच बीच में से यहाँ पे कली निकलता है, टोटल 9 ठो कली है, 7 ठो बड़ा वाला और ये 2 छोटा छोटा, तो 7 में से आज 5। देखिए ये वाला और पीछे और एक जो दिख रहा है, और एक वैसा कली है जो 3 ठो आज, मतलब 2 ठो ये नहीं खिलेगा या 3 ठो, और बाकी 5 ठो आज खिलेगा, वो 2 ठो नहीं खिल रहा है, हाँ, और ये 5 ठो खिलेगा और 2 ठो छोटा छोटा है, टोटल 9 है। मैं कल दिखाई थी आपको, और भी है छोटा छोटा, मैं तो अच्छे से नहीं देख पाई। और देखिए ये थोड़ा और ज़्यादा खिलने लगा है, और कितना प्यारा लग रहा है इस फ्लावर को, आप अच्छे से देखिए, वो पत्ते में से उसका निकलता है। और इसका फ्लावर का नाम को तो सबको पता है, ब्रह्म कमल, ब्रह्मा जी का जो कमल रहता है, ये वही वाला है जो कि विष्णु जी के नाभि से निकलता है, तो उसी का ही प्रतीक है ये फ्लावर। देखिए पत्ते से निकल के, कैसे पत्ते के कहाँ से निकला है, है ना। और ये टाइम आ गया है पूजा का, तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। और मिस्टर पुरोहित ये वाला पूजा कर रहे हैं, मैं शूट कर रही थी, तो आज हम लोगों का भाग्य में था ये वाला पूजा बोल के हम उस टाइम पे पहुंच पाए और पूजा कर पाए। मेरा तो बहुत दिन से मन था, मेरे घर में भी है पर मेरे घर का जो प्लांट है ना बहुत छोटा है, और स्मिता का लास्ट ईयर से ये फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर 5 टाइम्स और ये वाला 6th नंबर है। भगवान जी का आशीर्वाद था बोल के हम लोग आज पूजा कर पाए। चलिए पूजा करते हैं, धूप और दीप दिखा के ये वाला पूजा किया जाता है। देखिए
ये देखिए फ्रेंड्स कितना है सुंदर दिख रहा है ना, उसका एक एक पार्ट एक एक चीज़ में मतलब इतना सुंदरता भरा हुआ है कि मैं क्या बताऊं। देखिए उसका डंडा कहाँ से निकला है, देखिए एक पत्ते के यहाँ से जो साइड से निकला है, और ये पास पास दो ठो फ्लावर है, इतना सुंदर लग रहा था। चलिए मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाती हूँ कि उसका पत्ता कैसे रहता है और फ्लावर कहाँ से निकलता है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये वाला उसके पत्ते से निकल के और सबका शेप उसी शेप से ही फ्लावर खिला हुआ है, और अंदर देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ से ही प्रणाम करते हैं, मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे मतलब क्या है ये, मतलब इतना खुश लगा देख के। तो हम लोगों ने आज पूजा किया। तो ये जो ब्रह्म कमल है ये बहुत ही यूनिक फ्लावर है, कहा जाता है कि साल में एक बार आता है, पर ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पेड़ में अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हिसाब से आता है। तो आप उसको देख के ही आपका ये फ्लावर जो है मन मोह लेता है। इसके इतने औषधीय गुण हैं और इसके इतने सारे मतलब बेनिफिट्स हैं जो कि स्मिता एक ब्लॉग में बता चुकी है पहले, दीदी के ब्लॉग में है, वो डिटेल्स में बताई है इसके बारे में। पर आज मैं आपको दिखा रही हूँ इसका जो मतलब पूजा विधि, जैसे धूप दीप देके इसको पूजा करते हैं, उसका वेट करते हैं, और इस टाइम पे आप जो भी विश मांगोगे पूरा होता है बोलते हैं। और ये फ्लावर को खिलते हुए देखना शायद जिसके भाग्य में होता है वो देख सकता है, तो आज मुझे वो सौभाग्य मिला। देखिए अभी अभी ना इसको पूजा ख़त्म होने के बाद इसको तोड़ के रख लेते हैं ताकि वो भगवान जी को चढ़ा सकें। तो इसका तोड़ने का विधि देखते हैं। देखिए ये जो पत्ता है उसका जो नोड्स है ना, यहाँ से ये फ्लावर निकला है तो वहीं से ही इसको तोड़ा जाता है, आगे से पीछे से नहीं तोड़ा जाता। देखिए कितना सुंदर तरीके से निकला है ना, और इसको लेके हम फ्रिज में रख देंगे और नेक्स्ट डे फिर पूजा करेंगे, बाहर रखने से मुरझा जाएगा। ये देखिए क्या दिख रहा है, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, मतलब अद्भुत अद्भुत है ये चीज़ कि कोई कमल जैसे विदाउट वाटर पानी के बाहर ही ऐसे खिल रहा है ना। देखिए दिल खुश हो जा रहा है देख के। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा हमने कैसे पूजा किया फूल का, और ये दो ठो कमल लेके जा रहे हैं, कल आज फ्रिज में रख देंगे, कल सुबह मंदिर भेजेंगे, है ना। ब्रह्म कमल का ऐसे ही करते हैं पूजा करने के बाद, आप उसे तोड़ के रख सकते हो नेक्स्ट डे पूजा के लिए। ऐसे रख देने से ये फूल ऐसे ही रह जाता है, और बाकी तो सब फूल है वो, इसको ना मेडिसिन बहुत, इसका ना बहुत सारा गुण है, मतलब इतना सारा गुण है कि हम बता भी नहीं सकते। और लाखों में ये फूल मतलब बहुत कम खिलता है, जो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं उनके घर में खिलता है ये, और स्मिता तो बहुत भाग्यशाली है, 6 बार खिल चुका है, मतलब साल में एक बार खिलता है, लेकिन इनके घर में साल में 2-3 बार खिल जाता है। लास्ट टाइम तो 4 बार लास्ट टाइम ही तो 5 बार नहीं, स्टार्टिंग तो लास्ट ईयर ही हुआ है खिलना ना, फर्स्ट टाइम तो एक ही साल में 5 बार, मतलब ये अनोखी बात है ना। तो बहुत अच्छा लगा ये फूल, मतलब देख के आज पूजा करके बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलते हैं घर, और कल फिर इसको मंदिर में लेके देंगे, ठीक है। बाय बाय बेबी बाय। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और ऐसा जो दुर्लभ फ्लावर का जो पूजा अर्चना और ये चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को इसका दर्शन करने का मौका मिले। ओके आज का ब्लॉग बस यहीं पे, नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स।